मेरी कविता का नाम है अभिव्यक्तियाँ। हम दूसरों के लिए कैसे विचार अपने मन में रखते हैं, कैसा एक्सप्रेस करते हैं उसको, मेरी कविता का सार यही है। सुनिएगा। भावों की अभिव्यक्तियों को करते हम यूं जाहिर हैं, भावों की अभिव्यक्तियों को करते हम यूं जाहिर हैं, मानो दूजा दोष भरा और भाई हम तो सब में माहिर हैं। सामने वाला कैसा भी हो, हमारी बातों से, हमारे आचरण से झलक ही जाता है कि हम तो उससे बेहतर ही हैं। भावों की अभिव्यक्तियों को करते हम यूं जाहिर हैं, मानो दूजा दोष भरा और भाई हम तो सब में माहिर हैं। कोई मोटा है कोई पतला है, गर किसी का सिक्का खोटा है, हक पूरा हमको है कि हम समझे वो तो छोटा है। जजमेंटल जजमेंटल जजमेंटल, इंसानों के लिए ये विशेषण बहुत ही सटीक बैठता है। किसी न किसी रूप में हम दूसरों को अपने से कमतर पाते ही हैं। कोई मोटा है कोई लंबा है, गर किसी का सिक्का खोटा है, हक पूरा हमको है कि हम समझे वो तो छोटा है। उपहास उड़ाना है उसका, उसकी कमियां भी गिनाना है, दस्तूर है जो भी दुनिया का, उन रस्मों को भी तो निभाना है। कोई एक दोस्त है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, मगर चार और दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो शायद ही ऐसा होता है कि उनकी गुफ्तगू में हमारे कह कहे चूक जाएं। उपहास उड़ाना है उसका, उसकी कमियां भी गिनाना है, दस्तूर है जो भी दुनिया का, उन रस्मों को भी तो निभाना है। क्यों समझें कैसा उसे लगता है जब कोई उंगली उठती है, आखिर पर आई पीरों से कब किसकी टीस निकलती है। कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें उससे क्या, हमें तो बस बातें बनानी है। आखिर उसकी जिंदगी में जो आप बीती हो रही है वो हमारी जिंदगी में थोड़ी दोहराई जा रही है। तो क्यों समझें कैसा उसे लगता है जब कोई उंगली उठती है, आखिर पर आई पीरों से कब किसकी टीस निकलती है। तानों पर ताने कसने का हम कोई मौका ना छोड़ें, दूजे को गलत बताकर हमें हम इसे उपलब्धि में अपनी जोड़ें। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि नहीं उसको सही राह दिखाएं। इट्स जस्ट फॉर आर सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट, मतलब एक निर्मल आनंद जो मिलता है ना, ऐसा आत्मिक ज्ञान कहीं और कहीं कहाँ मिलेगा, ऐसा आत्मिक सुख जो क्रिटिसिज्म में मिलता है। तानों पर ताने कसने का हम कोई मौका ना छोड़ें, दूजे को गलत बताकर हम इसे उपलब्धि में अपनी जोड़ें। क्या सचमुच उत्तम है सबसे या करते सिर्फ दिखावा है, क्या सचमुच उत्तम है सबसे या करते सिर्फ दिखावा है। दूजे के पीड़ा से दुखे ना मन तो सदगुण सब बस छलावा है, क्या सचमुच उत्तम है सबसे या करते सिर्फ दिखावा है। दूजे की पीड़ा में दुखे ना मन तो सदगुण सब बस छलावा है। बहुत जिए अहम में अब तक हम, चलो खुद को कुछ आबाद करें, बहुत जिए अहम में अब तक हम, चलो खुद को कुछ आबाद करें, दूजे का सिर झुकवाने से पहले खुद की कमियों को भी याद करें। बहुत जिए अहम में अब तक हम, चलो खुद को कुछ आबाद करें, दूजे का सिर झुकवाने से पहले खुद की कमियों को भी याद करें। उसकी खूबी पर गौर करो फिर तौलो उसको तुम बेशक, उसकी खूबी पर गौर करो फिर तौलो उसको तुम बेशक, गर सच्चाई से आकोगे पाओगे उसमें गुड़ भर सक। एक भिखारी भी रास्ते में मिले ना, एक मिनट सोचकर अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो
कि वो किस परिस्थिति में या किस हालातों से गुजर के जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि आगे से उसको देखकर मुंह बिचकाने के लिए के ना बिचकाने के लिए ना आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। उसकी खूबी पर गौर करो फिर तौलो उसको तुम बेशक, गर सच्चाई से आकोगे पाओगे उसमें गुड़ भर सक। पर इंसानों की फितरत है यही अहम कि उसकी निशानी है, गुर्बत में हो लाख मगर, गुर्बत में हो लाख मगर, खुद के आगे फीकी सब की ही कहानी है। पर इंसानों की फितरत है यही उसके अहम की निशानी है, गुर्बत में हो लाख मगर, खुद के आगे फीकी सब की ही कहानी है। भावों की अभिव्यक्तियों को करते हम यू जाहिर हैं, मानो दूजा दोष भरा और भई हम तो सब में माहिर हैं। थैंक यू।